तेरह अखाड़ों में सबसे महत्वपूर्ण पंचायती निरंजनी अखाड़े ने बैठक में फैसला लिया है कि अगर कोई भी संत घर परिवार से रिश्ता रखे हुए है या फिर ग्रस्त जीवन जी रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अखाड़े से बाहर किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि संन्यास परंपरा में आने के बाद संत का पुनर्जन्म होता है। संत अपना घर परिवार माता पिता सभी मोहमाया त्याग देता है, इसीलिए संत बनने के बाद दोबारा ग्रस्त जीवन में लौटना या फिर घर परिवार और अन्य परिवारजनों से रिश्ता रखना संन्यास परंपरा के खिलाफ है। निरंजनी अखाड़े के सभी संतों ने एक मत से ये फैसला किया है, ऐसा करने वाले संतों को अखाड़े से बाहर किया जाएगा। चायती खड़ा श्री निरंजनी के सभी पंच परमेश्वर और सारे सचिवगण मैं स्वयं उपस्थित था। सभी के बीच में यह प्रस्ताव लाया गया जिन संत महात्माओं का संबंध, क्योंकि हमारी परंपरा है यदि मैं घर परिवार छोड़ के साधु संत बनता हूँ और हमारा एक पुनर्जन्म होता है संस्कार के बाद, तो घर से संबंध नहीं होना चाहिए। हमारे अनाजकाल हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया है, यदि किसी का संबंध घर से होता है तत्काल अखाड़े से वो बाहर किया जाता है। तो आज भी मैं यही कह रहा हूँ, वही नियम आज भी वही लागू है। अगर कोई संत महात्मा का संबंध अपने घर से है, उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं, मढ़ी में अखाड़े में मेले में कहीं भी आते हैं और दिख गए, प्रमाणित तौर से मान लिया जाएगा कि उनका संबंध घर से है, तो तत्काल अखाड़े से बाहर किया जाएगा, उनको बहिष्कृत किया जाएगा।